बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने आज विधानसभा में पुराना बजट पढ़ दिया। विपक्ष ने गहलोत के खिलाफ हमलों की बौछार कर दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने तो यहां तक कह दिया कि जो सीएम बिना पढ़े बजट लेकर आ सकते हैं वो राज्य को कैसे संभालेंगे। फर्जीहत के बाद गहलोत ने विधानसभा में माफी मांगी, कहा गलती हो गई, हो जाती है, और माफी के वक्त वसुंधरा की गलती का जिक्र किया तो पूर्व सीएम ने इसका विरोध किया। एक मिनट, सॉरी। अब मैं अल्पायु वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 घरों आप बजट की गरिमा को नहीं रखना है। तो 8 मिनट तक पुराना बजट भाषण गहलोत विधानसभा में पढ़ते रहे, जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी, लेकिन इस माफी के बावजूद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने उन पर हमला किया। ये जो कॉपी आपको दी गई है उसमें अगर पहला पेज मैंने पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरे पेज में जो लग रहा था पेपर अनाउंसमेंट हो चुका, मुझे भी लगा था। अब नोट क्या होगा, मैं खुद बार बार देख रहा था आगे पीछे पेज, ये पेज कैसे आ गया, एक्स्ट्रा पेज आ गया। अगर मेरे अधिकारी जो बजट बनाते हैं मुख्य रूप से, सुनिए आप, अगर बनाते हैं वो मुझे पॉइंट आउट करे, आंकड़े थोड़ी है श्रीमान, उसमें क्या दिक्कत हो गई। 8 मिनट तक सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे, ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को दो दो तीन तीन बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। इशू लीक होने का, क्योंकि लीक नहीं हुआ है ये तो इनके ऑफिसर्स के बीच में, पर इशू जो है वो ये है कि कोई मुख्यमंत्री बिना अपने बजट को पढ़े या देखे उस सुबह एक डॉक्यूमेंट को लेके आता है हाउस के अंदर इतनी केयरलेसनेस के साथ। अगर वो अपने बजट को इतनी केयरलेसनेस के साथ पेश करते करने के लिए आया है तो आप ये समझ सकते हो कि अपने प्रदेश को किस तरीके से चला रहा है, और अगर इसी ढंग से चला रहा है तो उस प्रदेश का भट्टा तो बैठना ही है।